क्या हुआ अविनाश? ये देखो ना, मेरी कंपनी की फटी हुई डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे बहुत ही उम्मीदों के साथ मैं राकेश भैया को दिखाने ले गया था। रिप जी, मेरी समझ में नहीं आता राकेश भैया ने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया। और तुम भी सच सच कहना, घर में कोई बात हुई है क्या? नहीं अविनाश, घर में कुछ नहीं हुआ। रिप जी, मैं नहीं मानता। और तुम भी इतनी सफाई से झूठ नहीं बोल पाती हो कि पकड़ी ना जाओ। रिप जी, घर में कोई ना कोई तनाव है, बताओ ना क्या हुआ है घर में। अविनाश, कोई बात नहीं, कुछ तो है, क्योंकि राकेश भैया ने आज से पहले कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया है। और तुम भी साफ साफ शब्दों में बातें करती हो ना, फिर घुमा फिरा के बातें क्यों कर रही हो, नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? और अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने ही घर में अनजान इंसान की तरह रह रहा हूं? As if I am not a part of this house. अविनाश, एक्चुअली आज रिमजी में भी ओम बाबा नहीं मिल रहा है। क्या ओम नहीं मिल रहा है? ओम नहीं मिल रहा है? क्यों क्यों कोशिश करूं मैं? और अब क्या मुझे समझाना चाहते हैं आप? तो एक झूठ को सच बनाने की कोशिश पे कोशिश। नहीं इरावती, नहीं, जो सच है उसी पर विश्वास करने के लिए कह रहा हूं तुम्हें। देखिए, मैं सिर्फ एक सच को जानती हूं, ओम जयंती का बेटा है। इरावती, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जयंती ने ओम को मां का प्यार दिया है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि ओम ने यशोदा की कोख से जन्म लिया है। वाह, तो आप भी आ गए अपने बहुओं के चाल में। इरावती, तुम्हें तो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें ऐसी बहुएं मिली। यशोदा ने अपनी कोख सुनी करके तुम्हारी बेटी जयंती की कोख आबाद की। भगवान श्री कृष्ण ने भी देवकी की कोख से जन्म लेकर बाल गोपाल की लीलाएं तो यशोदा की गोद में ही दिखाई थी ना, लेकिन माए तो दोनों ही कहलाए। उसी तरह इरावती, ओम पर भी यशोदा और जयंती दोनों का ही हक है। बंद करिए आपका धार्मिक प्रवचन। जिस सतयुग की बात आप कर रहे हैं ना, वो कब का जा चुका है। मेरी बहुएं कलयुग की हैं, जिनसे जयंती का सुख देखा नहीं जा सकता। और मुझे आपकी और आपकी बहुओं की बातों पर एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं हो रहा है। सच बात तो ये है कि जयंती जब अस्पताल से आई थी, वो ओम को अपनी गोद में लेकर आई थी और यशोदा एक सूनी गोद लेकर आई थी। ओम जयंती का बेटा है, सिर्फ जयंती का। तुम इस बात मां ओम का? अरे बेटा, तू तो उसको अपने कमरे में लेके गई थी ना। अरे लेकिन वो कहां है? कहां है मेरा ओम? हां, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, मेरे ओम से तुम दूर रहो। क्यों नहीं तुम समझते मेरी सब बातें जयंती? क्यों बार बार तुम मुझसे ये कहलवाना चाहती हो मेरे ओम से दूर रहो? जयंती आराम। हां जयंती, मुझे नहीं पता ओम कहां है। तुम्हें सब पता है ओम कहां है। हर बार ओम कहां है? मैं कहां किसी ने मैं बाहर देख के आता हूं। भाभी चलिए ना बेटा, रो मत, ओम मिल जाएगा। मुझे मेरा ओम चाहिए, मुझे मेरा ओम मिल जाएगा। ले ले बेटा, ले ले लो, गुड़िया लो, गुड़िया लो, ले लो। नहीं मेरे बच्चा, नहीं मेरे बच्चा। राकेश भैया आप यहाँ? राकेश भैया, मेरे ओम को दे दीजिए, ओम मेरा बेटा है। कोई नहीं है, ओम मेरा बच्चा है, खबरदार किसी ने इसको हाथ लगाया। राकेश भैया क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ओम को जिंदा दे दीजिए। मैं ना, मैं ओम को किसी को नहीं दूंगा। भैया प्लीज दे दीजिए ना, क्यों जिद कर रहे हैं? नहीं भैया, क्या कर रहे हैं आप? बच्चे के मगज हटवा रहे हैं आप। और मैं जो इतने सालों से बच्चे के लिए तड़प रहा हूं उसका क्या? राकेश भैया क्या पागल पर, बच्चे को दो जयंती को। नहीं बाबूजी, पापा बोले नहीं, मेरा बच्चा मुझे दे दे प्लीज। तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है, मेरा खून है। और इसे हासिल करने के लिए अगर मुझे दुनिया की किसी भी अदालत में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। राकेश, तुम किसी भी अदालत में चले जाओ, लेकिन ये सच्चाई वो कभी नहीं बदल पाएगी कि ओम जयंती का बेटा है। समझो राकेश, ये इन बहुओं की चाल है। इरावती, ये क्या कह रहे तुम? जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस घर की शांति को भंग करने के लिए इन दोनों की साजिश है। राकेश, राकेश, हमें ओम को भूलाऊंगा, भूल जाऊंगा, जरूर भूल जाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि ओम मेरा बच्चा है,
बल्कि मैं ये भुलाने की कोशिश करूंगा कि मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता है। राकेश, मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को मेरी पत्नी कहते हुए? पति पत्नी के रिश्ते पर कलंक हो तुम, कलंक। अपने ही बच्चे को उसके बाप से जुदा करने का पाप किया है तुमने, धोखा दिया है तुमने मुझे। And I hate you for this. अच्छा, जिस तरह से आप आज तड़प रहे ना राकेश, सालों तक मैंने ये सच बर्दाश्त किया है, महसूस किया है। उस वक्त आप कहाँ थे? आपको अपनी ऑफिस से और मीटिंग से जब फुर्सत नहीं मिलती थी ना राकेश, दिन रात ये सच का बोझ अपने सीने पे उठाए मैं अकेली जीती रही। तब आप कहाँ थे? आप नहीं थे मेरे लिए राकेश। आज अचानक आपको एक बच्चे की जरूरत पड़ गई, लेकिन इतने सालों में आपने एक बार भी अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। क्यों? जानती हो क्यों? क्योंकि ओम मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, मेरी पहचान है ओम, और उसे मैं हासिल करके रहूंगा यशोदा। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। राकेश, ओम आपके पास आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा राकेश। इस वक्त आपको जयंती के बारे में सोचना चाहिए, उसकी हालत बहुत खराब है। कुछ नहीं सोचूंगा मैं, किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, ना जयंती के बारे में, ना अपने माँ बाप के बारे में, और ना ही तुम्हारे बारे में। बाबूजी ये लीजिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। अरे लीजिए लीजिए, थोड़ी सी शक्कर भी डालिए। हमें बताएं आप क्यों परेशान हैं? जयंती दीदी को लेकर ना? पता है हमारे गुरुजी कहते थे, चिंता मत करो क्योंकि चिंता ही चिता का कारण होता है। प्लीज, इस वक्त तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। बाबूजी आप परेशान क्यों होते? हमने इंद्रजीजू को फोन किया था, वो मिले नहीं, उनका नंबर चेंज हो गया, लेकिन हमने मैसेज छोड़ दिया है। क्या? तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली बेटा। इंद्र बाबू अगर आ जाते हैं तो शायद जयंती को संभाल लें, उसकी हालत ठीक नहीं है बेटा। लेकिन क्यों आएंगे इंद्र बाबू, इतना सब कुछ होने के बाद? बाबूजी क्यों नहीं आएंगे? उनका इस घर से रिश्ता है, जयंती दीदी से रिश्ता है, वो जरूर आएंगे। दूर गए कितने लोगों को वापस लाएगी, पहले कावेरी अब इंद्र बाबू। बाबूजी हम इस घर की बहू हैं, जो हो सकता है उसे करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। खुश रहे बेटा, आप जल्दी जल्दी चाय पी लीजिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाते हैं, ठीक है? मेथी के पराठे। महाराज जी आप हमारी बातें सुनेंगे या खाना भी बनाएंगे? अरे भाई बना तो रहे हैं, आज देखो सब मेथी तोड़ डाले हैं। हमें दीजिए, पिता धीरे धीरे करेंगे तो कैसे चलेगा भाई। बजरंग बली हम आपसे बहुत नाराज हैं, हमारे सारे धर्म कर्म पे पानी फेर दिए हैं आप, जब देखो तब ससुर खान की चाकरी करवाते रहते हैं। दोस्त पापी निराधम, जानता है किसकी बुराई कर रहा है तू? क्षमा करे प्रभु, गलती हो गई, हम तो खान ससुरदार, उसे खान नहीं खान साहब बोलो। जो आ गया प्रभु, वो खान साहब जो है ना, वो हमारा जीना हराम कर दिए हैं, और आपको हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। दोस्त तेरे ही प्रायश्चित के लिए तो ये सब कर रहे हैं हम, तेरी वजह से हमें बार बार परलोक से यहाँ आना पड़ता है। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। क्षमा? सिर्फ क्षमा? इतने बड़े अपराध की सिर्फ क्षमा? अब हमने कौन सा अपराध किया है प्रभु? क्यों, तुमने खान साहब को कमरे से बाहर नहीं निकाला? हाँ,
उसकी पोटलियां उठाकर नहीं फेंकी? हाँ। तो ये अपराध नहीं तो और क्या है? कहो ये सच है या झूठ? सच है प्रभु, चमत्कार चमत्कार। आपको कैसे पता प्रभु? हम परलोक से सब देख रहे थे। अच्छा सुनो, ढूंढो हाँ। खान कहाँ है? हाँ। किस हाल में है? न जाने ये रातें कैसे बिताई होगी उसने। हाँ। जाओ ढूंढो। ठीक है प्रभु, जो आपकी आ गया। खान, खान साहब। अरे पता नहीं ससुर कहाँ जाकर मर गया। यारी है ईमान मेरा यार में। अरे खान साहब आप यहाँ? यहाँ, हम यहाँ से भी जा रहे हैं। कहाँ? तुमसे मतलब, वैसे भी हमने बहुत तकलीफ है, न जाने कितनी रातें हमने गाड़ी के डिक्की और बोनट पर काट ली। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम वापस जा रहे हैं। अरे नहीं खान साहब, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। आप एक काम कीजिए ना, आज चल करके हमारे कमरे में हमारे बिस्तर पर सोइए ना। तुम्हारे बिस्तर पर? हाँ। तुम कहाँ सोओगे? अरे भैया हम जमीन पर कहीं सो जाएंगे। और का? और तुम्हारा धर्म? अरे धर्म का ही तो काम कर रहे हैं। चलिए उठिए, चलिए। हाँ चलिए, आइए। ये लाइए, हमें दे दीजिए। जयंती, ओम तुम्हारा बेटा है और वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। हाँ दीदी, विश्वास करो हमारी बातों का। दीदी, दीदी ओम यही है, आपके पास है। जयंती बेटा क्या हुआ? शायद कोई डराना सपना देखा उन्होंने, बहुत डर गई है। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। बेटा डॉक्टर को तो मैंने फोन कर दिया है, वो अभी आ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पत्नी के लिए ये बहुत चिंता करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाजी आप ये क्या कह रही हैं? तो मैं क्या ये जानबूझकर कह रही हूँ? सच बात तो ये है कि तुमने और यशोदा ने मिलके ये झूठी और मंदरंग कहानी फैला दी है कि ओम जयंती का नहीं राकेश की औलाद है। माजी माजी, हम पर झूठा इल्जाम। बेटा मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि हम ये सारी पुरानी बातें भूल जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी ये चाहती है। माजी ये वक्त नहीं है। प्लीज रंजन, माँ को वक्त का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अविनाश हमने किया क्या है? ये तुम अपने आप से पूछो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने उस दिन जयंती को बिना मतलब डांट दिया था। अविनाश हमारी हमारी बात तो सुनिए आप। ये लड़की भाई, मुझे तो इस खेल में बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारी हर चाल हर दाव तुम्हारा टेढ़ा पड़ रहा है। माजी बहुत महंगा पड़ेगा आपको ये खेल।
लड़की निकल जाए यहां से। मेरी बेटी से हमदर्दी जताने की कोशिश मत कर, समझे? दीदी दीदी आप दवाइयां ले लीजिए। मैंने कहा ना, हम कर लेंगे अपने बेटी की देखभाल। निकल जाए यहां से, जाओ तुम। दीदी अपना ख्याल रखिए प्लीज। क्या है? ओ, राकेश सॉरी, आओ ना अंदर आओ। क्या बात है राकेश, बहुत परेशान लग रहे हो। कल्याणी, आज मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? ऑफ कोर्स, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कहो क्या बात है? कल्याणी, दरअसल ओम मेरा बच्चा है। क्या? हाँ, मेरा अपना खून है वो। यशोदा ने उसे जयंती की गोद में डाल दिया था और यह बात मेरे सारे घर वालों को पता थी सिवाय मेरे। मेरे घर वालों ने, मेरे बाबूजी ने यह बात मुझसे छुपा कर रखी। मुझसे कल्याणी, मुझसे जिसने अपने घर के लिए अपना बिजनेस चलाया, उसे आगे बढ़ाया। और तुम्हारी पत्नी क्या कहती है इस बारे में? नाम मत लो उस कमसर्फ का, सब कुछ उसी का किया धरा है ये। एक आदर्श बहु बनने के चक्कर में उसने ये सब कुछ कर डाला और अब वही मुझसे कह रही है कि ये बच्चा जयंती का है। तुम्हारे अपनों ने, तुम्हारे सगों ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? आज तक मैंने भाई को भाई के साथ लड़ते तो देखा है, लेकिन ऐसा ना मैंने कभी सुना है और न कभी देखा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कल्याणी, कि अब मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर ना करूं। और तुम्हें किसी पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए, इतना बड़ा धोखा खाया है तुमने। लेकिन एक बात मुझे बहुत फील हो रही है राकेश, वो बच्चा तुम्हारा अपना है, तुम उसके बाप हो, तो फिर वो तुम्हारे पास ही रहना चाहिए ना। राकेश, राकेश तुम कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि कानूनन तुम उस बच्चे के बाप हो। और रही बात बच्चे की, तो तुम्हारे बच्चे को मैं पालूंगी। राकेश, तुम मुझे पत्नी का दर्जा दो या ना दो, मैं तुमसे ये बात कभी नहीं पूछूंगी, कभी नहीं। लेकिन वो बच्चा हमारी नई दुनिया सजाएगा और मेरे सारे अधूरे सपनों को पूरा कर देगा। थैंक यू वेरी मच कल्याणी, तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया।